ट्रांसवर्सल है जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को पॉइंट आर और पॉइंट एस पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो उनसे बनने वाले जो इंटीरियर एंगल होंगे वो कैसे होंगे, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। मींस ए आर पी, एंगल ए आर पी इक्वल होगा एंगल सी एस आर के। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। गिवन पहले हमने सबसे पहले ए बी क्या है, पैरेलल है इसके सी डी के। ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है और पी क्यू इन दोनों पैरेलल लाइंस को पॉइंट आर और पॉइंट एस पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए आर एस जो है किसके इक्वल होगा, एंगल डी एस आर के। एंगल ए आर एस मीन्स ये डबल लाइन एंगल इक्वल होगा डी एस आर के, डी एस आर के। और एंगल बी आर एस, बी आर एस ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल सी एस आर के, सी एस आर। इन दोनों एंगल्स को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो लिखेंगे एंगल ए आर एस इक्वल होगा एंगल सी एस क्यू के। एंगल ए आर एस डबल लाइन एंगल इक्वल होगा किसके, सी एस क्यू के, सी एस क्यू के। मीन्स जो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो एंगल है ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के एंगल है। तो ये दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। इनको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर वन नाम दिया। सेकेंड है सी एस क्यू एंगल जो है एंगल डी एस आर के इक्वल होगा। एंगल सी एस क्यू ये वाला एंगल एंगल डी एस आर ये डबल लाइन एंगल के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों से एक इस तरह की डायग्राम बनेगी। तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ये कौन सी कंडीशन को वेरीफाई करता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की कंडीशन को वेरीफाई करता है। यहाँ से हमने लिखा इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, एंगल ए आर एस किसके इक्वल है, सी एस क्यू के, और डी आर एस भी किसके इक्वल है, सी एस क्यू के। मीन्स दोनों कंडीशन में जो सी एस क्यू है वो ए आर एस के भी इक्वल है और डी आर एस के भी इक्वल है। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, अगर सी एस क्यू डी एस आर के भी इक्वल है और सी एस क्यू ए आर एस के भी इक्वल है, तो ए आर एस और डी एस आर भी एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए आर एस इक्वल हो जाएगा किसके, डी एस आर के। तो ये हमने क्या कर दिया, एंगल ए आर एस ये वाला एंगल एंगल डी एस आर ये वाला एंगल के कैसा हो जाएगा, इक्वल। सेम इन दोनों एंगल्स को भी वेरीफाई करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम जो ये हमने मेथड अप्लाई करी है, हम इसी तरह से ये दोनों एंगल्स को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो लिखेंगे सिमिलर वी कैन प्रूव दैट एंगल बी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल सी एस आर। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन थी है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करती है, बीच से इंटरसेक्ट करती है, तो उनके जो